तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल 2019 का सॉर्टिंग पार्ट। तो इससे पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था प्रोटेक्शन के पार्ट को, हम बात कर रहे हैं डेटा को सॉर्ट करने की। और ये वीडियो YouTube पे जाएगा, तो आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आईपीटी इंडिया सर्च कीजिएगा, तो ये मेरा ये वीडियो मिल जाएगा क्लास के ये आधे घंटे बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज सॉर्टिंग के बारे में कि सॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर सॉर्टिंग का हमें क्या जरूरत है और क्यों यूज करते हैं सॉर्ट को। तो सॉर्ट का इस्तेमाल बेसिकली होता है कि डेटा को एक पर्टिकुलर एंगल पे सॉर्ट करने पे। मान लीजिए कि आप अगर कोई लिस्ट निकाल रहे हैं और लिस्ट में अगर आपने सॉर्टिंग का कोई पार्ट नहीं दिया है, तो जिसको अगर किसी को अपना देखना है तो पूरी की पूरी डेटा को उसको चुनना पड़ेगा। मान लीजिए ना आपका आपका रिजल्ट निकला हुआ है, या आप मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट रोस्टर की बात कर लीजिए कि ट्रांसपोर्ट रोस्टर लगा हुआ है और आपको देखना है कि आपका जो कैब है वो कैब किस कौन से गाड़ी में गया हुआ है। तो अगर किसी सीक्वेंस नहीं रहेगा तो आपको पूरा लिस्ट ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा जब तक कि आपका नाम आपको नहीं मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अल्फाबेटिक सॉर्टेड है तो आपने नाम के अकॉर्डिंग देख लेंगे, जैसे मान लीजिए रवि जी देखना है तो आर वाले सेक्शन में सारा देख लेंगे, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। उसी चीज के लिए सॉर्टिंग का इस्तेमाल होता है कि किसी एक डेटा के ऊपर सॉर्ट को करना, जो जरूरत होती है उसकी यूज करते हैं हम। अब बात होती है कि सॉर्टिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला चीज कि डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग बिना डेटा सिलेक्ट किए भी सॉर्ट कर लेते हैं और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद भी इनको सॉर्ट करते हैं। तो सिलेक्शन कब करेंगे हम, किसी पर्टिकुलर डेटा को सॉर्ट करने से पहले सिलेक्शन कब करेंगे? देखिए, सिलेक्शन हम तभी करते हैं जब डेटा में कोई रो पूरी की पूरी ब्लैंक हो। अगर पूरा रो अगर ब्लैंक है तभी आपको डेटा को सॉर्ट करने में सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बिना सिलेक्शन किए हुए सॉर्ट कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो इतना एरिया ही सिलेक्ट हो पाएगा, इसके नीचे का एरिया नहीं सिलेक्ट हो पाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल ए पे चलता है। दूसरी चीज, अगर सॉर्ट मुझे किसी एक के अकॉर्डिंग करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे सॉर्ट जो है वो डेट के अकॉर्डिंग करना है, तो मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं डेट के ऊपर कर्सर रखूंगा और यहां से यहां पे शॉर्ट ए टू जेड कर दूंगा, मेरा डेट के हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट मुझे अलग अलग एंगल चाहिए कि मुझे डिपार्टमेंट के बाद मुझे शॉर्ट करना है सैलरी बेसिस पे, दो या तीन लेजेंड के ऊपर शॉर्ट करना है। हाँ रमेश जी, मेरी साउंड आपको नहीं जा रही है, आपने स्पीकर या हेडफोन लगा रखा है? कौन सा हेडफोन है आपके पास? सॉरी सर, रमेश जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे, कस्टम शॉर्ट, और कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से अपना फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट जो अल्फाबेटिक शॉर्ट होगा, फिर एड डेटा लेवल, फिर मैंने यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट कर लिया जो कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा, और भी जो सिलेक्ट करना कर लीजिए एंड ओके कीजिए, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। अब सिलेक्शन करते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने सॉर्ट किया और सॉर्ट करते समय यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपको कॉलन ए बी सी डी ऐसे आएगा,
ये कब आता है? जब आपका माई डेटा हैज ए हिडर क्लिक नहीं होता है। माई डेटा हैज ए हिडर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर आपके सारे नेम आने शुरू हो जाएंगे। तो नॉर्मल सॉर्टिंग तो आपको पता ही है, लेकिन सॉर्टिंग में कुछ चीजें हैं जो कि आपके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए मैं मंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया तो क्या होगा? तो क्या मेरा सॉर्ट कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग होगा? जी नहीं। फाइनेंशियल की नहीं, वो अल्फाबेटिक सॉर्ट होगा, अप्रैल को पहले लेगा, अगस्त को पहले लेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका डेट है तो फिर वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा कि पहले जनवरी का डेट देगा, फिर फरवरी का देगा, ऐसे। बट अगर आपने जैन फेब मार्च इन द टेक्स्ट में दे रखा है, देन वी हैव द प्रॉब्लम। तो यहां पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं और मंथ के बगल में यहाँ ए टू जेड आपको दिख रहा है, इसमें कस्टम लिस्ट आपको दिखेगा। कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट में आप यहाँ पे जैन फेब मार्च जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर लीजिए। आपका कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा, ठीक है। तो कस्टम लिस्ट है क्या? देखिए क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे जैन लिखते हैं, ड्रैग करते हैं तो जैन फेब मार्च आ जाता है। आप यहाँ पे संडे लिखते हैं, ड्रैग करते हैं, संडे मंडे आता है। उसी तरीके से अगर मैं नाम लिखूं तो यहाँ पे मेरे टीम के नाम आएंगे। क्यों? क्योंकि कस्टम लिस्ट में मैंने इसको ऐड कर रखा है। और ऐड कैसे करेंगे? हमने आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था कि एक्सेल फाइल में जा, एक्सेल इसमें जाया करते हैं ऑप्शन में। लेकिन इसका यूज हम सॉर्टिंग में भी कर सकते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट है हमारा, हम चाहते हैं कोई चुनिंदा डिपार्टमेंट टॉप पे आए, बाकी फिर अल्फाबेटिक आना चाहिए। तो उस केस में भी आप यहाँ हम सॉर्ट पे कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना डिपार्टमेंट और यहाँ पे हम कस्टम लिस्ट में जाएंगे। रमेश जी आवाज आ रही है मेरी आपको? आप अनम्यूट करके सवाल अपना पूछ सकते हैं, बट मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, मतलब कि आपके माइक में प्रॉब्लम है। तो एक अच्छा सा हेडफोन यूज कीजिएगा कल से सर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बना रखा है, ऐसे मैं यहाँ न्यू लिस्ट पे जाके अपनी आईडी बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आईटी सेल्स फाइनेंस बना रखा है, फिर ओके कीजिए। अभी क्या होगा, सबसे पहले आईटी आएगा, फिर सेल्स आएगा, फिर फाइनेंस आएगा, फिर आरएनडी आएगा, उसके बाद अगर कोई बचता है तो अल्फाबेटिक आएगा। देखिए आईटी सेल्स फाइनेंस इस तरह से। तो इसमें एक चीज और भी है कि मान लीजिए आपने कलर्ड कर रखा है और मैं कलर्ड को सबसे टॉप पे या सबसे बॉटम पे लाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं सॉर्टिंग विथ कलर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ भी सॉर्टिंग में ये चीज भी कर सकते हैं कि आप यहाँ सैलरी पे चले जाएं और यहाँ पे जहां पे सेल वैल्यू था वहां पे आप सेल कलर ले लें, फिर अपना कलर आप चूज कर लें जो कलर आपको चाहिए एंड देन ओके आप शॉर्ट कर लीजिए। जो कलर था टॉप आ गया, अगर मैं बॉटम सिलेक्ट करता तो बॉटम आता। कलर ही नहीं, अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर कोई आइकन्स का इस्तेमाल कर रखा है और शॉर्ट आप आइकन वाले को करना चाहते हो तो भी ये फैसिलिटी आपको शॉर्ट के अंदर मिलता है कि शॉर्ट यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं बोनस, और बोनस पे मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे फॉन्ट कलर है, तो दो कलर होते हैं, सेल कलर मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर होता है वो, फॉन्ट कलर जो टेक्स्ट कलर होता है, तो दोनों के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं आप। अब कंडीशनल आइकन की बात करते हैं और यहाँ पे हम अपना आइकन सिलेक्ट करते हैं जिस आइकन को मुझे टॉप पे रखना है। मैं इसके बाद कुछ और रखना चाहता हूँ तो मैं एड लेबल कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई सेम बोनस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, और हमने सेलेक्ट कर लिया कि मिडल होना चाहिए, देन
ओके okay. यहां पे देखिए टॉप मिडल उसके बाद सब डाउन में आ गए। तो आप इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि आइकन के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कस्टम सॉर्ट करते हैं तो एक एक प्रॉब्लम और आता है केस सेंसिटिव का। जैसे कि मैं डिपार्टमेंट वाइज अगर सॉर्ट करता हूं तो उससे पहले मैं यहाँ पे आईटी है, आईटी में थोड़ा सा स्मॉल में भी लिख देता हूं। तो अगर मैं इसको अगर शॉर्ट करता हूं अपने डिपार्टमेंट को मान लीजिए, तो क्या होगा कि आप यहां आईटी को देखेंगे तो बड़े छोटे का मतलब कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक मैं देख लेता हूं क्या कस्टम शॉर्ट में यहां पे, हाँ यहाँ पे केस सेंसिटिव क्लिक किया हुआ था इसलिए सर। अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं क्लिक होता है क्योंकि मैं इस पे बहुत ज्यादा यूज कर चुका हूँ इसलिए बाय डिफॉल्ट इसने क्लिक कर दिया हुआ है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका यहाँ पे भी स्मॉल मिक्स होता है। आप चाहते कि नहीं स्मॉल लेटर वाले टॉप पे आए बाकी जो बॉटम पे आए, तो उस समय आप कस्टम सॉर्ट करते समय यहाँ ऑप्शन में केस सेंसिटिव को सेलेक्ट कर ले। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो ए है देखिए यहां से जो था उठ के ऊपर चला गया। चला गया सर, किसी को डाउट? नहीं सर। अब शॉर्ट में ये तो है, अब शॉर्ट में एक चीज और भी आती है। तो मैंने शॉर्ट किया टॉप टू बॉटम, पर मान लीजिए कि मेरा डेटा लेफ्ट टू राइट है तब क्या होगा? मैं इसी डेटा को उठाता हूं, कॉपी करता हूं और दूसरे किसी सेल पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें मैं ट्रांसपोज कर देता हूं ताकि ट्रांसपोज हो जाएगा। अब मुझे सॉर्ट करना है लेफ्ट टू राइट ना कि टॉप टू बॉटम। तो याद रखिएगा जब भी आप सिलेक्शन कीजिएगा लेफ्ट टॉप लेफ्ट टू राइट में तो आप अपने हेडिंग को सिलेक्ट मत कीजिएगा वरना इस हेडिंग को भी सॉर्ट कर देगा। यहां पे आते हैं कस्टम सॉर्ट ऑप्शंस और यहां पे मैं लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करते और यहां पे रो वन या रो टू, मतलब कि आप अगर ऊपर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं तो रो वन, वैल्यू अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं तो रो टू एंड ओके आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल जो शॉर्टिंग के जो फीचर्स थे वो बताएं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ट्रिक्स की। ट्रिक्स की मान लीजिए कि अब मुझे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो ऐड करना है। तो अब ऐसे एक एक ऐड करेंगे, मेरे पास मान लीजिए 10,000 डेटा है तो काफी टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा हो जो कि कम समय में हो जाए, इसमें सॉर्टिंग हमारा हेल्प करेगा। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया और सीरियल नंबर में 1 और 2 यहाँ पे मैंने दे दिया, एक सीरियल नंबर जनरेट कर देता हूँ मैनुअली। अब मैं इसी सीरियल को कॉपी किया और इसके नीचे हमने रिपीट कर दिया। अभी क्या है कि अगर इस कॉलम में देखे तो 1 यहां है और दूसरा 1 यहां। अगर मैं शॉर्ट करता हूं, अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो क्या होगा कि ए वन और नीचे वाला 1 ऊपर इकट्ठा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी शॉर्ट होता है तो कोई एक पर्टिकुलर सेल नहीं, पूरा का पूरा रो होता है। तो मतलब कि इस रो के नीचे ये दूसरा वाला 1 पूरा उठ के आएगा। तो क्या हो जाएगा, एक रो में डेटा और दूसरे रो में ब्लैंक और दोनों 1 इकट्ठा हो जाएंगे। और सेम चीज हर एक सीरियल नंबर में होगा जो यहां दिया हुआ है। मेथड समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट किया कस्टम शॉर्ट
और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिया एंड ओके कर दिया। हो गया सर? तो एक काम जो मैनुअल था वो सॉर्टिंग से इजीली हो गया। दूसरी चीज कि आप लोग जब डेटा लाते होंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है उसमें बहुत सारी जगहों में ब्लैंक सेल ब्लैंक रो होते हैं, तो ब्लैंक रो को डिलीट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद फिर उसको सिलेक्ट करके ब्लैंक सिलेक्ट करके आप डिलीट करते हैं। तो उस डिलीट करने में प्रॉब्लम क्या होता है कि पीछे के डेटा भी डिलीट हो सकता है और डिलीट होने पे पूरा मूव होता है। मान लीजिए कि हमने इस कॉलम को डिलीट किया तो नीचे का पूरा डेटा ऊपर उठ के आएगा, तो उससे क्या होगा कि टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होता है और काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसका दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि हम कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे किसी भी एक के अकॉर्डिंग हम इसको शॉर्ट कर देंगे, किसी भी एक के अकॉर्डिंग। जब शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा कि फिर आपका कॉलर आपका जो डेटा है जो सेल है वो डिलीट नहीं होगा, जो आपकी ब्लैंक सेल्स है वो शॉर्ट होकर नीचे आ जाएंगे और आपका फिल डेटा ऊपर आ जाएगा। इससे दो बेनिफिट होगा। पहला तो आपके जो पीछे के डेटा डिलीट होने के चांसेस होते थे वो नहीं होगा, और दूसरा आपकी फाइल हैंग नहीं होगी। ठीक है साहब जी, समझ में आया? कोई डाउट इसमें? अब डाउट नहीं है तो एक रिसर्च कीजिए सर। अभी हमने आपको बताया कि हम एक रो के बाद हर एक रो के बाद ब्लैंक रो इंसर्ट कर लेते हैं। एक रो अगर मुझे दो रो इंसर्ट करने तो क्या करेंगे? मैं चाहता हूं कि हर के बाद दो रो इंसर्ट हो जाए। हाँ, नंबर्स को दो बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। सही किसी ने बोला? मतलब कि यहाँ पे हम जो सीरियल नंबर यहाँ हमने लिखा था तो ये यहाँ पे जो हमने 1 2 लिखा था, इस 1 2 को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं और इसको कॉपी करके अगर दो चाहिए तो दो बार, तीन चाहिए तो तीन बार पेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे बात आती है, बात आती है कि मुझे यहाँ पे हर तीन रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करने है, या 5 रो के बाद या 10 रो के बाद, हमारा अपना चॉइस है, एक किससे ज्यादा है। तो इस पे कैसे किया जाएगा ये आप लोग अभी बैठ के रिसर्च कीजिए। इसके लिए आप इंटरनेट, यूट्यूब सब चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेथड क्लियर होना चाहिए और फिर मुझे उसको आप मेल पे लिख के भेजिएगा, सर इस प्रोसेस को हम अपनाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो अभी से बैठ जाइए, अभी से लग जाइए और ये यूट्यूब अभी आधे घंटे में जो है, ये जो वीडियोज है आधे घंटे में यूट्यूब पे चला जाएगा सर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन ऑन किया होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, अदरवाइज आप IPT इंडिया सर्च कर लीजिएगा, या हो सकता हो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।